जब किसी युवक और युवती के बीच में प्रेम होता है तो वे दोनों साथ में जीवन बिताने के लिए विवाह की भी इच्छा रखते हैं। किसी को विवाह के लिए उसके परिवार का साथ मिल जाता है तो किसी को नहीं। ऐसे में असफलता दिखने लग पड़ती है, साथ ही साथ परिवार और समाज के विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके भी प्रेम विवाह में रुकावटें आ रही हैं या आप अपने प्रेम संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से ये रुकावटें दूर हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सॉल्जर संदीप कटारिया। और आगे बढ़ने से पहले आपको स्मरण करवा दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को भी क्लिक कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंचती रहे। यदि कोई युवती अपने प्रेम विवाह में सफलता चाहती है तो उसे गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का उपवास रखना बहुत लाभदायक रहेगा। गुरुवार के दिन पीले रंग की कोई वस्तु का दान करना भी शुभ रहता है, लेकिन ध्यान रहे गुरुवार को प्रेम विवाह की इच्छुक युवती को दिन में नहीं सोना चाहिए। सावन के महीने में विवाह की इच्छुक युवतियों को शिवजी को 108 बिल पत्र चढ़ाने चाहिए, साथ ही शिवजी की पूजा करने के बाद निर्माल्य का तिलक लगाने से जल्दी ही प्रेम विवाह के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनने लग पड़ती हैं। यदि कोई युवती अपने प्रेम संबंधों में मजबूती चाहती है तो उसे गुरुवार के दिन छोटे बच्चे को पीले वस्त्र उपहार स्वरूप देने चाहिए और युवक को एक छोटी बच्ची को शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े उपहार में देने चाहिए। यदि प्रेम विवाह में कुछ परेशानियां आ रही हैं तो युवक को भगवान श्री गणेश को लड्डुओं का भोग लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। जिन लोगों को प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं, उन्हें गुरुवार के दिन स्नान करने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए और भोजन में केसर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेम विवाह के आसार बढ़ जाते हैं। विवाह में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए प्रेम विवाह के इच्छुक लोग अपने शरीर पर पीला वस्त्र जरूर धारण करें, इससे प्रेम विवाह के शुभ योग बनते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार अपने बड़ों का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप प्रेम विवाह की मनोकामनाओं को जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो अपने बड़ों का सम्मान करके उनका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करें। कहते हैं आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। गाय को सौभाग्य का सूचक माना जाता है, इसलिए प्रेम विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए 21 गुरुवार गाय को 2 आटे के पेड़े पर हल्दी लगाकर खिलाने के साथ साथ गुड़ और चने की दाल भी अगर खिलाई जाए तो शुभ फल प्राप्त होता है। शीघ्र विवाह के उपाय में केले के पेड़ की पूजा का भी बहुत महत्व होता है। केले के वृक्ष के पास गुरुवार के दिन घी का दीपक जलाने से और जल अर्पण करने के साथ साथ गुरु यानी कि बृहस्पति के 108 नामों का उच्चारण करने से प्रेम विवाह का योग बनता है। गंगा जल में दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवलिंग के सामने रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करने से प्रेम विवाह में सफलता मिल सकती है। यदि युवक और युवती की कुंडली में मंगल दोष हो तो भी प्रेम विवाह में अड़चने पैदा होती हैं, ऐसा अक्सर देखा गया है। इसलिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर मंगल दोष विवाह से पूर्व जरूर निवारण करवा दें, वरना विवाह के बाद कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अविवाहित कन्या जब किसी के विवाह में जाए तो दुल्हन से कुछ मेहंदी अपने हाथों पर जरूर लगवाए, ऐसा करने से उसकी विवाह की रुकावटें दूर हो सकती हैं।
शिव पार्वती की पूजा करने से भी प्रेम विवाह की इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए रोज शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, बिलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि से पूरी श्रद्धा के साथ शिव और पार्वती जी का पूजन करें। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष पर धागा बांधते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करने से भी विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और साथ ही प्रेम संबंधों में भी मधुरता आती है। और अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन उपायों को करते समय मन में किसी भी तरह के संदेह को ना लाएं। इन उपायों को करने में गोपनीयता बरतनी चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ये उपाय किसी के लिए बुरे विचार रखकर कभी नहीं करने चाहिए, वरना इसका लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आप इस विषय के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर इस बारे में आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं उन वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे तो घंटी वाले निशान को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें आप लिख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं और हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हम वेबसाइट और फेसबुक पर बहुत सारी उपयोगी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।